नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूएई द्वारा जो गोल्डन वीज़ा लाया गया है इस पे हम समझेंगे कि इसमें भारत को नुकसान होने वाला है या फिर फ़ायदा। तो सबसे पहले समझते हैं कि वीज़ा क्या होती है। वीज़ा देखो, वो एक ऐसे पेपर डॉक्यूमेंटेशन है जिससे कोई भी देश में जब आप जा रहे हो तो वहाँ रहने के लिए परमिशन आप जो मिलती है कि आप कितने दिन तक वहाँ रहोगे, उस परमिशन को ही आमतौर पर आसान भाषा में वीज़ा कहते हैं। ये अलग अलग टाइप के होते हैं, कई प्रकार के हो सकते हैं। कि आप टूरिस्ट वीज़ा पे आ रहे हो, कहीं घूमने जा रहे हो या फिर काम करने जा रहे हो, तो वर्किंग वीज़ा हो सकता है। ऐसे ऐसे अलग अलग कई तरह के कैटेगरीज है इसमें। तो सबसे पहले समझते हैं कि गोल्डन वीज़ा क्या है, ये दूसरे वीज़ा से अलग कैसे है। गोल्डन वीज़ा अलग इसलिए है क्योंकि बाकी जो वीज़ा होते हैं उसमें जो ड्यूरेशन होता है बहुत ही शॉर्ट टाइम और पीरियड के लिए होता है, लेकिन इस कंडीशन में यूएई डायरेक्ट 5 से 10 साल दो कैटेगरी में ये वीज़ा देने जा रहा है। संजय दत्त जी को यहाँ पे ये गोल्डन वीज़ा ऑफर किया गया है। उन्होंने बहुत ज़्यादा थैंक्स भी बोला कि इस चीज़ के लिए क्यों गोल्डन वीज़ा दिया। एक्चुअली मैं अगर देखा कलाकार लोगों के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है क्योंकि फिल्मों को लेकर के बहुत ज़्यादा शूटिंग वगैरह करते हैं यूएई में, तो उनको बार बार वीज़ा का अप्लाई करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो इसमें एक बात और समझना जरूरी है कि वीज़ा अगर यूएई 5 या 10 साल के लिए दे रहा है तो ये भारत के लिए क्या एक्चुअली में फायदेमंद है या नुकसानदेह, ये बात हम करेंगे सबसे आखिरी में। सबसे पहले समझते हैं कि यूएई 5 साल और 10 साल के वीज़ा पॉलिसी के लिए अपने कंट्री में लाया क्यों। समझते हैं सबसे पहले कि यूएई, अभी आप उसका नाम सुनते हो तो आपके दिमाग में क्या आता है? बहुत सारा पेट्रोल, बहुत सारा पैसा, ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग, बहुत अच्छे रोड, यही तो आपको दिमाग में आता होगा। तो देखो, कोई भी आदमी को एक रहने के लिए अच्छी जगह अगर बोला जाए तो यूएई से बेहतर कोई अच्छी जगह नहीं हो सकती, इसमें कोई दो राय नहीं है। उससे भी अच्छी अच्छी जगह है पर यूएई उनमें से एक तो है ही, लोग वहाँ जाना चाहते हैं, वहाँ रहना चाहते हैं। ऐसे में अगर वो देश दूसरे लोगों को बाइक खुले बुलाएगा कि आओ आप आके यहाँ पे 5 साल 10 साल के लिए रेसिडेंटशिप ले सकते हो, तो कितनी मज़ेदार बात हो जाएगी। तो आपको बता देता हूँ कि ये जो उन्होंने गोल्डन वीज़ा लॉन्च किया है, ये पहली बात आम लोगों के लिए नहीं है, ये मेरे और आपके लिए नहीं है। अगर आप आम लोग हैं तो ये तो हम दोनों के लिए नहीं है। तो फिर ये गोल्डन वीज़ा है किसके लिए, मैं बताता हूँ कि जो यूएई किन चीज़ों में आ गया है। मैंने बोला ना कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत आगे हैं, पेट्रोल में, पैसे में बहुत आगे हैं, पर उनके पास क्या क्या कमी है? वो इंजीनियरिंग में बहुत पीछे हैं, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे हैं, और भी अगर बहुत सारे देखो मेडिकल मेडिकल रिसर्च में भी बहुत पीछे हैं, और भी बहुत सारे ऐसे चीज़ है जिसमें वो बहुत पीछे हैं। तब वो करना क्या चाह रहे हैं इस वीज़ा की मदद से? वो बस इतना करना चाहते हैं कि जो विदेशी में जो टैलेंट है उस टैलेंट को अपनी ओर खींचने के लिए उन्होंने ये पॉलिसी लाया, ताकि जो विदेशी में जो टैलेंटेड लोग हैं उनको अपनी ओर आकर्षित किया जा सके। जी हाँ, तो ऐसे समय में ये बात तो चिंता के विषय हो ही जाती है कि आखिर भारत जैसा ऐसा मुल्क जहाँ पर टैलेंट भरा हुआ है और हमारे लोग पूरे पूरे दुनिया में हर कोने में बसे हुए हैं, ऐसे में अगर यूएई इस तरह का पॉलिसी लाता है तो हमारे यहाँ के लोग तो मुंह उठा के वहाँ चली जाएंगे, तो इसको क्या रोका जा सकता है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, भारत सरकार इसके लिए कोई भी रोक टोक नहीं करने वाली। अब आपको समझ में आता है कि जब मैंने कहा कि ये मेरे और आपके लिए नहीं है तो ये किन के लिए है। गोल्डन वीज़ा के हिसाब से वो सबको वीज़ा नहीं देने वाले हैं, वो स्टूडेंट को अलग देने वाले हैं, डॉक्टर को अलग देने वाले हैं, इंजीनियर लोगों को अलग तरह से देने वाले हैं। अगर वो कोई इंजीनियर है, अगर वो खास तरह के कोई इंजीनियरिंग फील्ड में बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है तो उसे वो गोल्डन वीज़ा मिलेगी। अगर कोई डॉक्टर है और वो अपने फील्ड में बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं तो उनको ही मिलेगी। इसी तरह से अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग लोगों को दी जाएंगी। इसमें से एक कैटेगरी है आर्टिस्ट। अब आप समझिएगा कि आर्टिस्ट को वहाँ पे क्यों बुलाया जा रहा है। देखो यूएई में आप अगर देखो तो वहाँ पे ना लाइव कंसर्ट वगैरह कुछ नहीं होते हैं। ऐसे में अगर वहाँ पे लोग अगर बड़े बड़े आर्टिस्ट अगर वहाँ के जो सिटीजनशिप लेंगे तो वहाँ के जो आर्ट एंड कल्चर इंडस्ट्री है वो काफ़ी बढ़ेगी। कुल मिला के देखें तो यही सब कुछ कारण है जिसके कारण यूएई इस तरह के कामों को अपने देश में कर रहा है। इसमें एक चीज़ जो है जो आपके पता होनी चाहिए वो है कि यूएई जो है वो अपनी पूरी इकोनॉमी को 2030 तक पेट्रोल से हटा करके बाकी चीज़ों पे लगाना चाहती है, क्योंकि उनको ये पता है कि पेट्रोल खत्म होने वाला है, अब इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो है आने वाले 10 सालों में बहुत ही ज़्यादा दिखेंगे। तो उनको पता है कि पेट्रोल का सहारे आप बहुत लंबा टाइम तक सस्टेन ये नहीं किया जा सकता, इसलिए वो बहुत ज़्यादा जो बाहर के टैलेंटेड है अपने यहाँ पर ला रहे हैं। अभी अपने हाल ही में दिखा होगा कि उन्होंने यूएई ने बहुत सारे स्पेस मिशन में अलग अलग कंट्री के साथ वो कोलाबरेट कर रहे हैं और बहुत सारे स्पेस मिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर यूएई को एज ए कंट्री के रिकॉर्ड के हिसाब से अगर पिछले 8-10 साल के हिसाब को देखो तो वो देखोगे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा करने की कोशिश कर रहा है। तो उसका वही कारण है कि उनको पता है कि पेट्रोल आने वाले 10-15 सालों में पेट्रोल का महत्व बहुत ज़्यादा गिरने वाला है। तो ये था कुल समरी जहाँ पे मैंने बताया कि यूएई के गोल्डन वीज़ा कैसा है, क्या काम करने वाला है, इससे हमें और आपको फायदा होगा कि ये नहीं होगा। जैसे मैंने बताया कि हमारे ऐसे लोगों के लिए वहाँ कोई जगह नहीं है, ठीक है, कभी घूमने को मौसम मिल गया वही बहुत है। तो ये थी कुल वीडियो यूएई के गोल्डन वीज़ा पर। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जाकर के सब्सक्राइब कर लो, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक मारो। अगर आपके पास कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में करो ताकि पता चले कि हमें और कितना इम्प्रूवमेंट करना है।